राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद के वेबिनार डिफेंस कॉल टू एक्शन में उद्घाटन भाषण दिया। पीएम ने कहा कि कुछ वर्षों से भारत अपने रक्षा क्षेत्र में जिस आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है उसका कमिटमेंट आपको इस वर्ष के बजट में भी दिखेगा। पीएम ने कहा कि इस साल के बजट में देश के भीतर ही रिसर्च डिजाइन और डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित करने का ब्लूप्रिंट है। उन्होंने कहा कि रक्षा बजट में लगभग 70% सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा गया है। नमस्कार, आज के वेबिनार की थीम आत्मनिर्भर इन डिफेंस कॉल टू एक्शन। देश के इरादों को स्पष्ट करती है। बीते कुछ वर्षों से भारत अपने डिफेंस सेक्टर में जिस आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है उसका कमिटमेंट आपको इस वर्ष के बजट में भी दिखेगा। साथियों, गुलामी के कालखंड में भी और आजादी के तुरंत बाद भी हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ताकत बहुत ज्यादा थी। दूसरे विश्व युद्ध में भारत में बने हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि बाद के वर्षों में हमारी ये ताकत कमजोर होती चली गई, लेकिन ये दिखाता है कि भारत में क्षमता की कभी कमी न तब थी न कमी अब है। साथियों, सुरक्षा का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि आपके पास अपना कस्टमाइज और यूनिक सिस्टम होना चाहिए, तभी वो आपकी मदद करेगा। अगर 10 देशों के पास एक ही तरह के डिफेंस उपकरण होंगे तो आपकी सेनाओं की कोई यूनिकनेस नहीं रहेगी। यूनिकनेस और सरप्राइज एलिमेंट ये तभी हो सकते हैं जब उपकरण आपके खुद के देश में विकसित हो। साथियों, इस साल के बजट में देश के भीतर ही रिसर्च डिजाइन और डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित करने का ब्लूप्रिंट है। रक्षा बजट में लगभग 70% सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री अब तक 200 से भी ज्यादा डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट की पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी कर चुकी है। इस लिस्ट की घोषणा के बाद डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए लगभग 54,000 करोड़ रुपीज करीब 54,000 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा चुके हैं। इसके अलावा 4.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य के उपकरणों से जुड़ी खरीद प्रक्रिया भी अलग अलग स्टेजिंग में है। बहुत जल्द तीसरी लिस्ट भी आने वाली है। ये दिखाता है कि हम देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को
किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, जब हम बाहर से अस्त्र शस्त्र लाते हैं तो उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि जब वो हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंचते हैं तब तक उसमें से कई आउटडेटेड हो चुके होते हैं। इसका समाधान भी आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया में ही है। मैं देश की सेनाओं की भी सराहना करूंगा कि वो भी डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता का महत्व समझते हुए बड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। आज हमारी फौज के पास भारत में बने साजो सामान होते हैं तो उनका आत्मविश्वास, उनका गर्व भी नई ऊंचाई पर पहुंचता है। भारत की जो आईटी की ताकत है वो हमारा बहुत बड़ा सामर्थ्य है। इस ताकत को हम अपने रक्षा क्षेत्र में जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे हमें उतने ही सुरक्षा में हम आश्वस्त होंगे। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।